नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। खबरों की शुरुआत करेंगे लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के संभल में चेकिंग अभियान के दौरान किए 1,07,000 बरामद, पुलिस आरोपी से कर रही है पूछताछ। झुंझुनू में दो बसों और एक ट्रोले में हुई भिड़ंत, हादसे में लगभग 30 यात्री घायल। हनुमानगढ़ में रवि हत्याकांड का मामला, नागरिकों ने किया थाने का घेराव। और अब खबरें विस्तार से। भरतपुर के रुदावल में गत दिनों रुदावल क्षेत्र में हुई आगजनी की घटनाओं के कारण तबाह हुए पीड़ित परिवारों को 5,000 रुपए के चेक रुदावल थानाधिकारी मुकेश गुजर के मुख्य आतिथ्य में दिए गए। आपको यहां बता दें कि पिछले दिनों नगला छतरी के सुंदर सिंह, कुशवाहा और निभेरा के केदार धोबी के घर में लगी आग से भैंसों की जलने से मौत हो गई थी, जिसके लिए लुपिन संस्था की तरफ से 5,000 रुपए के चेक दिए गए हैं। वहीं लुपिन संस्था के कोऑर्डिनेटर राम नरेश कटारा ने बताया कि इनकी संस्था गरीब अनाथों के लिए हमेशा से ही अग्रसर रहती है। इस मौके पर रुदावल थानाधिकारी मुकेश गुजर, लुपिन कोऑर्डिनेटर राम नरेश कटारा, सुपरवाइजर रिंकू भल्ला, हितेश मित्तल, संतोष और कुमार सिंह कुशवाहा मौजूद रहे। आज हमारे रूपास ब्लॉक के नेभेरा गांव एवं नगला छतरी में गत दिनों लगी आग से पीड़ित परिवारों की भैंस जलकर मर गई। इनको 5,000 रुपए की राशि के चेक लुपिन संस्था ने आर्थिक इनकी सहायता के लिए दिए गए, जिससे अपना ये आगे भैंस खरीद करके अपना रोजगार कर और अपना आमदनी का स्रोत बढ़ा सकें। संस्था ऐसे पीड़ित परिवारों के लिए हर संभव मदद करती है और ब्लॉक के पूरे क्षेत्र में हर समय सबसे पहले आगे सहायता देने के लिए तैयार है। झुंझुनू के बगड़ मार्ग पर बीहड़ के पास कल देर रात को हुए दर्दनाक हादसे में 30 के करीब यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें झुंझुनू के बीडी के अस्पताल लाया गया। जानकारी के मुताबिक झुंझुनू से एक रोडवेज बस चिड़ावा की ओर जा रही थी। बीहड़ में रोडवेज बस चालक ने ओवरटेक के चक्कर में आगे चल रहे एक ट्रोले को टक्कर मार दी। इतने में राजस्थान रोडवेज की जिस वोल्वो बस को रोडवेज ने ओवरटेक किया था वो भी पीछे से आकर टकरा गई। इस तरह तीन वाहनों में हुई भिड़ंत में दोनों बसों की 30 से अधिक सवारियां घायल हो गई। घायल सवारियों को बड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। इनमें से कई सवारियां तो घायल अवस्था में सीटों के नीचे फंस गई, जिसके लिए बसों को तोड़ना पड़ा। घटना की सूचना मिलने पर ADM राजेंद्र अग्रवाल, SP नरेश मीणा, CT DSP ममता सारस्वत, शहर कोतवाल गोपाल सिंह ढांका समेत आला अधिकारी मौके पर मौजूद पहुंचे। घटना के कारण झुंझुनू के बगड़ और बगड़ से झुंझुनू दोनों तरफ करीब 2 से 3 किलोमीटर का जाम भी लग गया। वहीं घायलों को लाने के लिए 8 से 10 एम्बुलेंस का सहारा लिया। सोजा सिटी में थाना क्षेत्र के बासनी जोधराज के निकट एक छात्र छात्राओं से भरा टेम्पो असंतुलित होकर पलट गया, जिसके कारण करीब 7 बच्चे घायल हो गए, जिनमें पूजा, रिया, चेतन, ललिता, दीपा और दिलीप घायल हो गए, जिनको एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय चिकित्सालय लाया गया। इस घटना की सूचना पर जब छात्रों के परिजनों को जानकारी मिली तो उनके होश उड़ गए। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। कानपुर के देहात में अकबरपुर में हुए गठबंधन बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मोदी को हराने के लिए सपा बसपा के नेता एक साथ मंच पर नजर आए और सभी ने एक सुर में गठबंधन कर प्रत्याशी को जिताने की अपील की है। इस दौरान बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में प्रचार सामग्री बांटी गई, आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हुआ बताया जा रहा है और गठबंधन कार्यकर्ता सुलह का खुलेआम प्रदर्शन करते हैं। बावजूद इसके जिला प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली। वहीं गठबंधन कार्यकर्ता सपा बसपा की पट्टियों को जमीन में डालकर रौनते रहे। वहीं चुनावी मुद्दों के सवाल पर अकबरपुर लोकसभा की प्रभारी निशांत संचान ने बताया कि उनका कोई मुद्दा नहीं है, जनता के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं कैलेंडर ने मिलने से नाराज होकर एक कार्यकर्ता ने निकाली अपनी भड़ास और गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा
कि मोदी नाम से गठबंधन में इस कदर डरा हुआ है कि मंच से भी मोदी मोदी नाम ले रहे हैं और वोटरों को लुभाने के लिए प्रचार सामग्री आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं। श्री अखिलेश कुमार यादव जी को मैं कोटि कोटि बहुत धन्यवाद देते हुए उनको नतमस्तक होती हूँ कि उन्होंने आज मुझे यहाँ प्रभारी बनाकर भेजा है। ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था, हम लोग अपनी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। पूरी तरीके से मजबूत सपा बसपा गठबंधन और आरएलडी के कार्यकर्ता एक एक मजबूत तरीके से हमारे मजबूत चुनाव के लिए तैयार हैं। हाँ, सपा समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। बीएसपी के लोगों ने पार्टी को दूर करने के लिए काम किया, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उन पर मुकदमा लिखे गए, आपने गठबंधन कर लिया, लेकिन उनका क्या हुआ? पहले हमारा कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का देश की बात करता है, दिलों की बात नहीं। दिले तो हमारे पहले ही से मिले हुए थे, ये राजनीतिक चलता रहता, लेकिन पहले देश को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, झूठे वादों को हटाने के लिए, ये जुमलेबाजों की सरकार को भगाने के लिए हमारा सपा बसपा कार्यकर्ता मजबूत है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तो सपा बसपा की रणनीति हमेशा हमारा कैडराइज वोट है, हम लोग कैडर के बलबूते पे चुनाव लड़ते हैं और आपको ये मालूम है कैडर हमेशा मजबूत रहता है। इतनी बड़ी आंधी थी 2014 में इतनी बड़ी आंधी थी, तब भी हमारे वोट परसेंटेज कम नहीं कर पाए, अब उसको क्या करेंगे? कितनी सीटें जीत कर आएंगे? फुल फ्रेश पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन सा रहेगा? देखिए, एक बात ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जी, हम लोग कार्यकर्ता आशा करते हैं हमारी बहन जी ही देश की प्रधानमंत्री। ये बसपा और सपा का जो ये गठबंधन हुआ है उसको लेकर इन्होंने विधानसभा सम्मेलन बूथ कार्यकर्ताओं का किया था। यहाँ मंच पर मोदी मोदी लोग करते रहे, इतने भयभीत हो चुके हैं मोदी के नाम से, और इसके बाद में आचार संहिता लगी हुई है, इन्होंने जमकर कैलेंडर और प्रचार सामग्री भी वितरित की है, जिसको यहाँ प्रशासन बाहर खड़ा देखता रहा और भारत निर्वाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता रहा। हमारी कोई रणनीति नहीं है, हम तो समाज के लिए, समाज की अच्छाई के लिए, जो झूठ बोला जा रहा है उसको मिटाने के लिए जो गठबंधन है, और ये गठबंधन आगे तक जाएगा। हनुमानगढ़ जंक्शन के वैशाली नगर कॉलोनी में 2 माह पहले कुछ लोगों द्वारा घर में घुसकर रवि नाम के युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन आरोपित नामजद होने के बावजूद पुलिस कोई उचित कार्रवाई नहीं कर पाई। मृतक के परिजन और नागरिकों ने जंक्शन थाने का घेराव किया। इसी दौरान आक्रोशित नागरिकों ने थाने के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो आपस में झड़प हो गई और पुलिस वालों ने कामरेड नेताओं की पिटाई कर दी। उन्हें जबरदस्ती थाने में ले गए, जिससे सभी आक्रोशित नागरिकों ने सड़क पर जाम लगा दिया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए नेताओं को छोड़ दिया गया। अब देखना होगा कि पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और क्या क्या करती है। पेट्रोल पंप की जो लूट हो, ये समाज, ये रवि मेघवाल एक दलित परिवार से है, ये गरीब परिवार से है, इसलिए इसको न्याय नहीं मिल रहा, और न्याय भी पुलिस वालों की तरफ से। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी द्वारा रवि मेघवाल जो 26/12/18 को उसकी गोली मार करके घर में हत्या कर दी, उस मामले को लेकर के DYPI द्वारा यहाँ पुलिस थाना सिटी के समक्ष यहाँ घेराव किया गया, इस बात के लिए कि 3 महीने बीत जाने के बाद में भी रवि मेघवाल को न्याय नहीं मिला, उसके हत्यारे पकड़ से दूर है, तो जो परिवादी परिवार है, जो प्रताड़ित परिवार है, उसको लगातार परेशान किया जा रहा है और हत्यारों को पकड़ा नहीं जा रहा। इस सिलसिले में आज नौजवान सभा का एक प्रतिनिधि मंडल यहाँ घेराव करके और ये चेतावनी दी है कि अगर आपने 10 दिनों के अंदर रवि के हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया तो आने वाली 10 तारीख को पूरे जिले भर के नौजवान, विद्यार्थी, महिलाएँ, मजदूर इकट्ठे होकर के यहाँ पुलिस प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। भरतपुर के रुदावल थाना क्षेत्र के गांव भवनपुरा में संदिग्ध अवस्था में एक विवाहिता की मौत हो गई है। सूचना पर रुदावल पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ससुराल पक्ष के लोग दाह संस्कार कर फरार हो गए। वहीं शमशान में पहुंचकर पुलिस ने मृतका की चिता से राख को कब्जे में लिया। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि प्रीति लोधा की शादी 11 माह पूर्व भवनपुरा गांव में हुई थी, जिसकी संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई और पीहत पक्ष के लोगों द्वारा लड़की को प्रताड़ित करने और उसे पीट पीट कर जान से मारने का मामला रुदावल थाना में दर्ज कराया गया। फिलहाल रुदावल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है।
सुमेरपुर थाने में सीएलजी बैठक आयोजित हुई। एडीएम राजेंद्र सिंह सिसोदिया, डीएसपी निशांत भारद्वाज ने सीएलजी बैठक ली। बैठक में तहसीलदार जमार राम चौधरी, विकास अधिकारी नारायण सिंह राजपुरोहित, थानाधिकारी गौतम जैन सहित सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। शहर में असामाजिक तत्व और सुमेरपुर के मेन मार्केट में ट्रैफिक की खस्ताहाल को लेकर बैठक में चर्चा का विषय रहा। सवाईमाधोपुर के खंडार में कृषि उपज मंडी में मजदूरी को लेकर चल रहे गतिरोध में कल व्यापारियों ने मजदूरों के बीच बात नहीं बन पाई, जिससे मंडी कार्य दूसरे दिन भी बंद रहा। इस दौरान कई कृषक यहां आकर वापस अपनी उपज को लेकर चले गए। मंडी प्रशासन दोनों पक्षों के बीच दिन भर समझाइश करता रहा। कुछ देर बाद सचिव और मजदूरों के बीच समझाइश हुई थी, लेकिन मजदूर दो मांगों पर अड़े रहे। सचिव ने उन दोनों बातों को नहीं मानी और इस मामले की जानकारी खंडार उप जिला कलेक्टर को भेज दी जाएगी। पल्लेदार यूनियन अध्यक्ष मिश्री लाल गुजर ने बताया कि पल्लेदारों को उतराई और लदाई वर्तमान में 3.5 रुपए दिए जा रहे हैं, जबकि मजदूरों की मांग है कि उन्हें 4 रुपए और लोडिंग में 51 बोरी की ही धांग लगाई जाती है, लेकिन व्यापारी मजदूरों से 51 की बजाय 13 बोरी की धाम लगवाने को कह रहे हैं। इस मामले को लेकर व्यापारी, मजदूर और अधिकारियों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। उत्तर प्रदेश के संभल में आचार संहिता लागू होते ही जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी दौरान 1,07,000 रुपए बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि संभल तिराहे पर जांच टीम ने गाड़ी रोकी और गाड़ी की चेकिंग की तो गाड़ी चालक के पास 1,07,000 रुपए मिले और पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। बूंदी में सर्व ब्राह्मण महासभा महिला मंडल की सभी महिलाओं ने मंशा पूर्वक गणेश मंदिर में रंग बिरंगे कपड़ों से सज धज कर आई और ठाकुर जी के रंग, गुलाल और रोली का तिलक लगाकर फूलों से होली खेली। किरण ने बताया कि इस दौरान होली के गीतों पर महिलाओं ने जमकर नृत्य किया है। सभी ने एक दूसरे को फाग उत्सव की शुभकामनाएं दी है। अंत में ठाकुर जी की आरती उतारी और प्रसाद वितरित किया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सिर्फ सत्यमेव न्यूज़।